दोस्तों जब हम बार बार हारते हैं तो हमारी जीतने की इच्छा कम होने लगती है, साथ ही हम उस पर काम करना और उस पर सोचना भी छोड़ देते हैं। ये हमारे बड़े सपने को पूरा होने से रोकता है दोस्तों। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए सुबह उठने के बाद जो आपको आपके सपने को पूरा कर सके, इसको बताने के लिए छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, इसको पूरा सुनिएगा दोस्तों। स्टे योर सेल्फ पॉजिटिवली एंड थिंक योर सेल्फ पॉजिटिवली। दोस्तों आपने बाज को आसमानों में ऊंचा उड़ते हुए तो देखा होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसकी जो उम्र होती है बाज की वो 70 साल तक होती है। 40 साल तक तो ये काफी आराम से रहता है, पर 40 साल के बाद इसके शरीर के तीन जो अंग होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिसमें से पहला इसकी चोंच जो लंबी और थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसके कारण इसको खाना खाने में दिक्कत होती है। दूसरा इसके नाखून, वो भी लंबे थोड़े लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण ये शिकार पकड़ने में इसको दिक्कत जाती है। तीसरा इसके पंख थोड़े भारी हो जाते हैं, जिसके कारण वो उसके बदन से चिपकने लगते हैं, जिसके कारण इसको उड़ने में दिक्कत जाती है। दोस्तों ऐसे में बाज जितने 40 साल तो जी लिया, पर बचे हुए 30 साल में क्या करेगा? तीन काम उसके पास है, या तो वो अपनी जान दे दे, या तो वो ये भूल जाए कि वो एक बाज है और एक गिद्ध की तरह अपनी जिंदगी बिताए, तीसरा या तो वो अपने पर काम करे, सारी चीजों से निकलकर डट कर सामना कर आगे बढ़े और अपना जीवन यापन करे। तो आज मैं जिस बाज की आपको कहानी सुना रहा हूँ उसने तीसरा रास्ता चुना। उसने सोचा कि अब मेरे जीवन में जीने के तो बहुत सारे साल हैं, मैं इनको ऐसे नहीं खो सकता हूँ। तो उसने एक ऊंची पहाड़ी पर जाके छोटा सा घर बनाया। उसने सबसे पहले अपनी चोंच को चट्टान पर बार बार मार के उसको तोड़ दिया और नई चोंच आने का इंतजार किया। वैसे ही उसने अपने नाखून एक एक करके उखाड़ दिए, अपने पंख एक एक करके उखाड़ दिए और नए नाखून और नए पंख आने का इंतजार किया। दोस्तों इसको करने में उसको 140 दिन लग गए। आप सोच रहे होंगे कि 140 दिन उसने कितनी पीड़ा और कितना दर्द सहा होगा। बात तो बिल्कुल सही है, 140 दिन उसने इतनी पीड़ा और इतनी दर्द का सहा, और जब उसके बाद तीनों चीज वापस आ गई नई तरीके से, तो उसे आने वाले 30 साल उसने उसी तरीके से जिए जिस तरह उसने अपने पुराने 30 सालों को जिया। दोस्तों स्टोरी है, यह हमें एहसास दिलाती है कि कभी भी अगर हम अपने सपनों से दूर हो रहे हो और कभी भी अगर हम अपनी कार्य करने की क्षमता, लगन, शक्ति को हम भूलते जा रहे हो, तो आपको उस पर और मेहनत करनी है। आप उसको, आपको छोड़ना नहीं है उसको बीच रास्ते में। आप ये समझे आपको तीसरा रास्ता चुनना है। जैसे कि एक बाज ने 140 दिन कड़ी मेहनत करके अपना अपने आप को उस स्तर तक बनाया कि आने वाले 30 साल तक वो बिल्कुल आराम से जी सके, वैसे ही आपको जिंदगी में कुछ पल कठिन परिश्रम निकालना दोस्तों, ताकि आने वाली जिंदगी में आपके हर सपने पूरे हो सके। और दोस्तों सुबह उठने के बाद में वो एक चीज आपको छोड़नी है जो आपको आपके सपने पूरे करने से रोक रहा है। अगर आप, आपको हो सकता है कि थोड़ी पीड़ा और दर्द का सामना करना पड़े, पर मेरा यकीन मानिए अगर आप ये करेंगे तो आपको आपके सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। मैं देवेंद्र अग्रवाल आपका इसी तरह हमेशा साथ देता रहूंगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।